भी ज्यादा अपने पति के बारे में बहुत गलत तरीके से बात करने लगा है कात्या। उसमें पति वाली कोई बात हो तो मैं उसकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता उसकी इज्जत कौन औरत करे। मामूली ताले बनाने का जो काम करता था वो भी नहीं करता। कभी वो ताले बना देता है कभी वो भी नहीं बनाता। इस तरह के घर चलते हैं सारा वक्त उस पर घड़ी बनाने की धुन सवार रहती है। उसी की ठक ठक में लगा रहता है। हर बात को अपनी नजर से नहीं देखना चाहिए कात्या। जरा एक बार सोच कर देखो अगर हानुष के हाथ से खड़े बन गया तो क्या ये छोटा सा बात होगा। अरे साहब सालों से इस काम में लगा है आज तक तो बनी नहीं और जो आज तक नहीं बनी वो अब क्या बनेगी। मेरी सारी जवानी बीत गई है ठक्कर सुनते हुए। जरा एक बार सोचो कात्या अगर हानुष के हाथ से खड़े बन गया तो देश में बनने वाला ये पहला घड़ी होगा। हानुष से ये बन चुका न पढ़ा न लिखा मामूली कुल से साज भी कभी खड़ी बना सकता है। देखो तुम अब उसे पहले से भी ज्यादा दुत्कारने लगी हो कात्या। इस तरीके से तुम किसी भी आदमी का हौसला टूट जाएगा और जहां हर वक्त दुत्कार पड़ती हो वहां कोई आदमी काम कैसे करेगा। आप तो उसी की तरफदारी करेंगे। उसके बड़े भाई जो सर पूछो तो ये आप ही का बिगाड़ा हुआ है। मैंने हर्ष को क्यों बिगाड़ा है। अगर आपने ये मुश्तैरी घर उसके नाम ना किया होता तो आज ही किसी काम में लगा होता। इसे अपने परिवार की चिंता तो होती लेकिन अब ये जानता इसके सर पे छत है। कात्या रो धो के दो चार तीन ताले बेच आएगी घर की गुजर बसर हो जाएगी। उसे किसी की परवाह नहीं। देखो कात्या ये हानुष के लिए मुश्किल का टाइम है। अगर हानुष के हाथ से खड़ी बन गया तो हो सकता है तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। अगर हानुष के हाथ से खड़ी बन गया तो हो सकता है महाराज उसे माला मार करते हैं उसका शौर्य दुनिया भर में फैलेगा। महाराज उसे अपना दरबारी तक बना सकते हैं। 10 साल से यही सुन रहा हूं मैं बहुत सुन चुकी हूं। क्या मैं अपने लिए उससे कुछ मांगती हूं। घर में खाने को ना हो तो मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूं। सब मुझे उपदेश देते मेरा बेटा सर्दी में ठिठुर कर मर गया। घर में इतना ईंधन नहीं था तो मैं कमरा गर्म कर सकती। 6 महीने तक बच्ची को छाती से लगाए ढूंढती रही। कहाँ गया मेरा मासूम बेटा। मैं इसकी घड़ी का क्या करूं। क्या मैं इसे अपने लिए कुछ मांगती हूँ। क्या मैंने अपने लिए इससे कपड़ा मांगा है जेवर मांगा है। लेकिन कौन माँ अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ठिठुरता देख सकती है। उसने अपना काम खुद तमाम किया। ताली बनाना छोड़ दी। कभी बनाता है कभी वो भी नहीं बनाता। अब यहाँ दो यहूदी ताली बनाने वाले आ गए। हमसे कोई ताला लेता ही नहीं। कल 10 ताली थैले में डालकर ले गई। अभी तक एक ही का क्या बात है माँ। ताली बनाते हैं तो बनाने दो ना। तुम रोकती क्यों हो। क्या बक रही हो। क्या मैं तेरे बाप का हाथ पकड़े हुए हूँ। खड़ी नहीं बनाता तो और करता ही क्या है। बेटी को भी उसने अपने हाथ में कर लिया। छोटी सी थी जब इस घर में ब्याह कर आई। हानुष को कोई पूछता ही नहीं। मैं इज्जत भी उसी की होती है जिसका पति कमाने वाला हूं। कि सबकी पूछ बना हुआ घूमता रहता था। आज ये हाल है कि हमारी हालत सुधरने की बजाय और गिरती जा रही है। फिर कहां गई है माँ। घड़ी तो अब तैयार होने लगी है। कल यूनिवर्सिटी में बड़े हिसाबदार आए थे ना। बापू की पीठ थप थपा रहे थे। कह रहे थे तुमने बहुत बड़ा सवाल हल कर लिया है। मेरा बस चले ना तो इस घड़ी का सारा सामान उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूं। जब देखो खड़ी 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 जैसे इसने खड़ी घड़ी बनाई तो दुनिया का कारोबार बंद हो जाए। कात्या अगर पति को उसके पत्नी का विश्वास मिल जाए ना तो उसके हौसले टुकड़े हो जाते हैं। सब समझोगे तुम। मैंने सुन ली। मैं तो उसके हौसले बढ़ाती रहा करूं और बच्चे यहाँ भूखों मरते रहे। घर की हालत क्या आपसे छुपी है। बच्चों के चीखने उसे नजर नहीं आ रही। हमारा घर सर्दियों में गर्म नहीं हो पाता क्या उसे नजर नहीं आता। और इस हालत में मैं उसका
चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो 10 दिन के लिए घड़िया बनाना बंद कर देगा और 11वें दिन फिर उससे जा चिपकेगा। फिर वही छह कमालियां और ना जाने क्या क्या, और मैं रोध होकर चुप हो जाऊं। कहते हैं मेरा बात समझने का कोशिश करो। वो अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी ना बनाता है, उसका शौक है और क्या है। घड़िया बनाने का शौक था ना, फिर ब्याह नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि घर गृहस्थी भी बसाओ और उनके खाने ओढ़ने का इंतजाम भी ना करो। कहते एक बार उस पर अपना विश्वास करके तो देखो, वो जरूर घड़ी बनाने में कामयाब हो जाएगा और तुम्हारा सारा परेशानियां दूर हो जाएगा। कात्या, क्या इंतजाम हुआ वजीफे का? देखो, मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में तुमसे बात ना ही करूं, लेकिन हानुष ने गिरजे के अधिकारियों को जो दरख्वास्त की थी वो अब नामंजूर हो गया है। माफ कीजिएगा बड़े भाई, मैं सीधा था, इसी काम में उलझ गया था। आप
बैठिए ना, कुछ कह रहे थे। मैं तुम्हें बता रहा था कि गिरजा वालों ने तुम्हारी दरख्वास्त नाम मंजूर कर दिया है। तो बड़ा मुश्किल होगा, अब तो कुछ आस पड़ने लगी थी और काम भी कुछ आगे निकल चला था। बहुत उत्तेजित रहता है हानुष, ये अच्छा बात नहीं है। मैं क्या करूं, बड़े घर के काम ही ऐसा है। आदमी का मन शांत रहे तो आदमी कुछ भी सोच सकता है। देखो तुम अपने आप को खड़ी साज मानने लगे, तुम कुफ्ल साज हो और अपने आप को कुफ्ल साज ही समझो। तुम्हारा काम ताले बनाना है, खड़ी बनाना नहीं है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये क्या कर रहे हैं, मेरे 13 साल की मेहनत और इसे छोड़ दो। तुमने अपना जिंदगी का 13 साल इसमें खोया है, इसीलिए कहता हूँ इस काम में से निकल जाओ। भैया मैं खड़ी साज बनने के सपने तो नहीं देखता, मैं तो बस खड़ी बना रहा। अब वो कैसे बने इसी के बारे में सोचता रहता, और कोई बात तो मेरे जहन में आती भी नहीं। आप तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहे, इसलिए आज क्या बात। तुम ठीक कहते हो हानुष, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाता रहा हूं, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि घड़ी बन रही है। मैंने लाड पात्री से भी कह दिया था कि घड़ी बनेगी और भगवान के घर का रोशन बढ़ाएगी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि वो सब खाम ख्याली था। मैं स्वयं एक सपना देख रहा था हानुष। आपको छिपा रहे बड़े, आपने अभी कहा कि गिरजे वालों ने मेरी दरख्वास्त ना मंजूर कर दी, क्या और कोई बात? मुख्य बात ये नहीं है, मुख्य बात यह है कि तुम अपने पेशे पर वापस लौट जाओ। तुम्हारा काम ताले बनाना है, घड़ी बनाना नहीं है। ताले तो मैं अभी बनाता हूँ। तुम केवल ताले ही बनाओ, जब तुम्हारी माली हालत सुधर जाएगी तब बेशक अपना शौक पूरा करते रहना, तब घड़ी बने या ना बने तुम्हें तुम्हारे घर का चिंता नहीं होगा। देखो हानुष, तुम्हारे ही फायदे का बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। घड़ी साल दो साल बाद भी बन सकती है, और अगर घड़ी ना भी बने तो इस दुनिया का कारोबार बंद थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि आपका रवैया बिल्कुल बदला हुआ है? माली मतलब तो गिरजे वालों ने एक बार पहले भी देना बंद कर दिया था ना, लेकिन आपने मुझे इस काम को बंद कर देने को तो वही कहा था। देखो हानुष, तुम्हारे घर में ना आज आग जला है, ना कुछ खाने को बन पाया है, कब तक किस तरह से काम कर पाओ? अगर तुम ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, एक दिन बिल्कुल टूट जाएगा तुम। भैया मैं तालों के बारे में ही बात करने बाजार गया कि रास्ते में मुझे वो बूढ़ा लोहार मिल गया और कमाने दिखाने अपने साथ ले गया। मैं आज ही तालों का कुछ बंदोबस्त कर लूंगा, जब तक बिकेंगे नहीं मैं घर नहीं आऊंगा। लेकिन आप कहीं से माली मदद का इंतजाम करवा दीजिए, यहाँ तक पहुँच कर मैं कैसे छोड़ दूं अब? ये आज का बात नहीं है आनुष, ये हर रोज का बात है। भैया मैं आपकी बात समझता हूँ, आपके घर के बारे में मैं अपने फर्ज को भूला नहीं हूँ। तुम्हारे मन में केवल खड़ी छाया रहता है, तुम्हारा मन उस तरफ से हटेगा तभी कुछ और सोच पाओगे ना। अच्छा अगर आपकी इजाजत हो तो इस नल का पानी की जांच कर लूं, देखिए अगर काम बनता नजर आए तो ठीक, वरना आपकी दया से सारा घड़ी घड़ी घड़ी। जब इस दुनिया में घड़ी नहीं था तब भी दुनिया का कारोबार चलता ही था ना, अब तुम्हारा घड़ी बनेगा तभी क्या दुनिया के लोग जानेंगे हानुष? अच्छा आप जब भी मुझसे बात करते हैं तो मेरे अंदर एक भय सा छा जाता है। आप बड़े समझदार हैं, दुनिया देख चुके हैं, लेकिन आपसे बात करते समय दिल दहल सा जाता है, ऐसा क्यों है? देखो आनुष, मैंने डर डर कर यह जीवन बिताया है, और तुम देख सकते हो मेरा जीवन बुरा तरीके से नहीं गुजरा। आज 3 गिरजा मेरे नीचे हैं, और जल्दी ही मैं लाट पात्र भी बन जाऊंगा। लेकिन बात वही का वही है कि तुम अपने पेशे पर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम ताले बनाना है, घड़ी बनाना नहीं है। ओ आनुष, तुम्हारी तारी है, इंसान का काट ना, चलो आ, ये तरीका बेहतर है कि, अरे, क्या क्या बात है? कुछ नहीं बोल रही। अरे मैं बुरा आदमी भागता हुआ है, और तू कुछ बोलता नहीं, मेरी सांस खुल गई है, तू इधर घुट मना कट, क्या बात है? मैं चलता हूँ हानुष, मैं तुमसे 2-1 दिन बाद आकर मिलूंगा। अच्छा पढ़ेंगे। बोलता क्यों नहीं? घड़ी को आज फिर साफ सुन गया। नहीं पढ़े मिया, आज मुझे साफ सुन गया है, अब इस काम से मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये बोलने का ये काम मेरे बस का नहीं, मैं इसे छोड़ रहा। 13 बरस में हर तीसरे चौथे महीने ये फिक्रा मैं तेरे मुझसे सुन चुका। ये आखिरी बार सुन रहे हैं। अरे रोता क्यों, मैं तो सब तक पैसे मांगने
दया, आपके एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये फिक्रा भी मैं कई बार सोच चुका। को कहेगा कि घड़ी बनाना छोड़ दे, फिर दो एक दिन बाद भागता भागता मेरे पास आएगा कि कमानी में कितना लोहा कितना पीतल डलेगा। नहीं बड़े भैया, इस बार मैंने पक्का फैसला कर लिया, बकायदा कोई धंधा धंधा करूँ। अरे ये पक्का फैसला चंद मिनटों में कैसे हो गया? पादरी भैया तुम्हारे सर पर ठंडा पानी उड़ा दे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था बड़े भैया, ये काम मेरे बस का है ही नहीं है। क्या बस का है? आदाब करते हैं। आदाब बड़े। क्या सुन रहा हूँ करते अभी? सीधी सी बात है बड़े भैया, मैंने गिरजे में दरख्वास्त दी थी माल इमदाद के लिए, वो नामंजूर हो गई। क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या तुम गिरजा
एक बार गिरजे वालों के पास फिर दरख्वास्त दे। अब वो कुछ नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जानते हो स्वयं भगवान वो काम नहीं कर सकते जो लाड पादरी कर सकता। ऊपर भले ही भगवान की इच्छा हो मगर नीचे लाड पादरी की ही चलती। मैं किसके पास जाऊं बड़े मियां? किसी के सामने हाथ फैलाना मेरे लिए पहाड़ लांघने के बराबर होता। हाथ हाथ फैलाने की नहीं है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम सबसे डरते हो। लाड पादरी गिरजे वाले आदमी से डरते हो तुम। अब क्या कहते हैं बड़े मियां, मेरी कमजोरी ही मुझे आगे बढ़ने नहीं दी। सब में कमजोरियां होती हैं, अगर हम अपना काम अपनी कमजोरियों के बावजूद करते हैं। हमें जो मिला नसीहत देने वाला ही मिला। भाई है तो वो भी नसीहत करते हैं, बीवी है तो वो भी नसीहत करती है, और आप है तो आप भी नसीहत करते हैं। अरे छोटे से दिमाग में कितनी नसीहतें समा पाएंगी? और आपको कुछ दिन के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दे तो मुमकिन है कि मेरी आगे कुछ काम कर देना। मेरी बात का बुरा मान गए, मेरा मतलब तुम्हें नसीहत करने का नहीं था। देखो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि खड़ी बनने का काम था, भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, और इस पैसों की वजह से तो बिल्कुल भी मत हो। अभी मर नहीं गया, रोड टाइम से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं लोहारों की जमात से पैसे इकट्ठा करके ला दूंगा, और इस काम के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। तुम बेधड़क होकर अपना काम जारी रखो। छुटा था तो यहाँ छिपता छिपा करके फिर रहा है, अपने गांव चला जाओ। मैं काम धंधे की तलाश में हूँ,
पूछना चाहता था, मुझे ऐसे ही लगा, पर मैं डर गया। सरकारी अधिकारियों से मैं बहुत डरता हूँ। 3 साल तक कैद खाने में रहा, इसलिए मैं नजर बचाकर भाग खड़ा हुआ। मैं लोहार के पास काम करता था, वो घोड़ों के पैरों में नाक लगाता था, घोड़ा गाड़ियों की मरम्मत करता था, कमानिया भी बनाता था। जी जी जी, कमानिया भी बनती है। किस धातु की बनाता था? जी लोहे में थोड़ा सा पीतल मिलाकर बनाता था। सिर्फ लोहे की क्यों नहीं बनाता था? जी सिर्फ लोहे की बनाओ तो बड़ी बोझल बनती है, उसमें लचक नहीं होती। सिर्फ पीतल की क्यों नहीं बनाता था? सिर्फ पीतल की बनाओ तो टूट जाती है। कमानिया चाहिए जो बोझ को बर्दाश्त कर जाए मगर टूटे नहीं। क्या बोल रहा है ये? हमें ये घड़ी बन रही है। घड़ी क्या? घड़ी जो वक्त बताती है, जानते हो क्या होती है वो? हाँ बस बस वही घड़ी है, वही घड़ी। इसे मैंने 2 सालों से बनाया है। मुझे आप अपने साथ रख दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे पास अपने खाने का कुछ ठिकाना नहीं है, तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? और फिर मुझे पता भी नहीं कि मैं ये काम करूंगा भैया। मानुष तुम इसको रख लो। ये क्या कह रही हो खाते? तुम इसे रख लो, लड़का समझदार जान पड़ता है। अभी तो कह रही थी कि इस काम को छोड़ दो और अब इसके लिए एक शादी फिर रख लो। तुम इसे रख लो। तुम गांव में लोहार के पास काम करते थे ना? जी। क्या ताले बनाना जानते हो? तुम इसे रख लो, तुम इसे ताले बनाना सिखा। ये ताले बनाया चलेगा और मैं भी जाया करूंगी। इसे रख। अरे पर इसे खिलाएंगे कहां से? तुम्हें उसकी चिंता क्यों होने लगी? तुम भी अजीब हो। अभी तो मुझे कोस रही थी कि घड़ी की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया है और अब मुझे कह रही हो कि मैं इसे रख लूं। Thank you.
की नहीं होगी। मैंने सुना उसकी मशीन काफी बड़ी है। घड़ी खिड़की में फिट हो और उसकी मशीन यहाँ पीछे तक आ सकती है। लेकिन अभी इसका वक्त तो आए, पहले बादशाह सलामत से मंजूरी तो मिले। मंजूरी मिलने में क्या दिक्कत होगी? मंजूरी तो आप फौरन मिल जाएगी। कुछ नहीं कहा जा सकता, बादशाह सलामत बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। आजकल तो लाट पादरी की चलती है। बादशाह सलामत हमारे यहाँ नगर पालिका आ रहे हैं, अभी इसमें एक महीना बाकी है। उनकी इजाजत मिल जाए तो उस बीच यहाँ घड़ी लगाई जा सकती है। घड़ी सुन का स्वागत हो, कितनी बढ़िया बात होगी। मैं तो हमेशा चापलूसी की बातें सुनती है। इसमें चापलूसी की क्या बात है? उस दिन यहाँ बहुत सारी बातों का फैसला भी हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि दरबार में हम सनतकारों के कितने आदमी बैठेंगे, बैठेंगे भी या नहीं। कल बड़े वजीर के पास हमारे कुछ नुमाइंदे गए थे, जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? बड़े वजीर ने हमें बैठने तक के लिए नहीं पूछा, खड़े खड़े ही विदा कर दिया। ऐसे हुआ हमारा स्वागत। इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि बादशाह सलामत का रुख नगर पालिका की तरफ अच्छा नहीं है। सामंतों की लाट पादरी के साथ साजबाज चलने लगी है। वो नहीं चाहते कि हम लोगों को दरबार में नुमाइंदगी मिले। बादशाह सलामत तो खुद लाट पादरी के हाथ की कठपुतली बने घूम रहे हैं। मैंने सुना था पांच बड़े सामंत कल रात शहर में आए थे। पांचों के पांचों लाट पादरी से मिलने सीधा गिरजाघर पहुंचे, बादशाह सलामत के महल में नहीं गए। हालात बिगड़ रहे हैं, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। हम लोग हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि दरबार में हम लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। कम से कम हमारे आठ आदमी तो दरबार में बैठे। इस मौके पर जैसे भी हो बादशाह सलामत के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करो। मैं तो कहूंगा उस दिन जब बादशाह सलामत नगर पालिका में तशरीफ लाए तो शहर के सभी दुकानदार सौदागर सनतकार रास्ते में कतार बांधकर दोनों ओर खड़े हो जाएं। देहात में से दस्तकारों को भी बुला लो, इससे गिरजे वालों और सामंतों को हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे। इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। क्या उल्टा असर पड़ सकता है? बादशाह सलामत समझे कि हम लोग उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। बादशाह सलामत को तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि सामंतों और लाट पादरी के गठजोड़ से टक्कर लेने वाले लोग मौजूद हैं। और तुम तो जानते हो बादशाह सलामत ने जो दबाव डाले उसी की बात पहले मानी जाती है। तुम भूल करते हो, बादशाह सलामत सब जानते समझते हैं। अगर जानते समझते हैं तो उन्हें वो बात करनी चाहिए जिसमें प्रजा का भला हो, जिसमें इंसाफ हो। राजा प्रजा की भलाई नहीं अपनी भलाई पहले देखता है। ठीक, बादशाह सलामत कभी हमें जूता दिखाए तो कभी गिरजे वालों को। बहुत तुम ठीक कहते हो, बादशाह इंसाफ को नहीं ताकत को देखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नीति से काम लो। दरबार में आठ की बजाय बारह की नुमाइंदगी मांगो। उतना मांगो जितना मिल सके। कहा तो दरबार में एक भी नुमाइंदा नहीं और कहा सीधा बारह बारह मांगने जा रहे हो। क्यों? बादशाह सलामत दरबार में सामंतों की तादाद कम करते? नहीं, बादशाह सलामत उनकी तादाद कभी कम नहीं करेंगे। दरबार में कुल नुमाइंदों की तादाद बढ़ा सकते हैं पर उनकी कम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ बादशाह सलामत हमारी दरख्वास्त मंजूर कर लेंगे। बारह तो नहीं लेकिन आठ आदमी हमारे ले लिए जाएंगे। वो उसी हालत में जब बादशाह सलामत दबे नहीं। अगर लाट पादरी से दब गया सामंतों ने आप दिखा दी तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सुना तुम लोगों ने? क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? टावर कभी तो अच्छी खबर लाया करो। अरे फैसला हुआ है कि हम उसकी घड़ी बड़े गिरजे पर लगाई जाएगी। तो सुनो, तुम्हें किसने कहा? देख लिया, इसी बात पे डर था मुझे। बताया किसने तुम्हें? आनुष का बड़ा भाई पादरी अभी मिला था मुझे। मैंने कहा था ना ये तो बहुत बुरी बात है, सारी बात ही खटाई में पड़ गई। उधर ऐसा कैसे हो सकता है? आनुष ने खुद मुझसे कहा था कि गिरजे घड़ी को गिरजे पर नहीं नगर पालिका पर लगाया जाएगा। उसके चाहने ना चाहने से होता क्या है? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। पिछले पांच साल से नगर पालिका आनुष को वजीफा दे रही है और अब घड़ी बनकर तैयार हो गई है तो गिरजे वाले मालिक बन बैठे हैं। ठीक बात है, जहाँ नगर पालिका चाहेगी वही घड़ी को लगाया जाएगा। अगर लाट पादरी ने कह दिया कि घड़ी गिरजे पर लगेगी तो समझो घड़ी गिरजे पर ही लगेगी। उसकी बात कौन टाल सकता है? और हमारा पांच साल का वजीफा कोई मायने नहीं रखता है। घड़ी हम गिरजे पर तो लगने नहीं देंगे। तुम इसकी मुखालफत भी तो नहीं कर सकते शेरचे। गिरजा खुदा का घर है। पांच साल पहले जब हानुष को माली इमदाद की जरूरत थी तो वो लाट पादरी के पास भी गया था। जानते हो तब लाट पादरी ने उसे क्या जवाब दिया था? क्या कहा था? लाट पादरी ने कहा था कि तुम शैतान की औलाद हो जो घड़ी बना रहे हो। घड़ी बनाना इंसान का काम नहीं शैतान का काम है। और धनुष ने यह बात तो कुछ ही दिन पहले हमें बताई। लाट पादरी ने यह भी कहा कि घड़ी बनाने की कोशिश करना ही खुदा की तौहीन करना है। अगर भगवान चाहते तो क्या घड़ी नहीं बना सकते थे? भगवान ने सूरज बनाया है, चांद बनाया है, उनके लिए घड़ी बनाना क्या मुश्किल था? आज आसमान में घड़ियां ही घड़ियां लगी होती। बादशाह सलामत लाट पादरी की बात को नहीं मोड़ सकते तो हमारा कहना तो फिजूल है। हमें घड़ी के लिए बहुत पहले बादशाह सलामत से दरख्वास्त करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी?
सवाल इंसाफ का है। आखिर पैसे हमने दिए हैं, हम दरख्वास्त दे या ना दे इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनो, इस बारे में हारूश के साथ कोई मुआयदा नहीं हुआ था कि घड़ी नगर पालिका पर लगाई जाए। फिर घड़ी किसकी है? मैं कहूंगा जिसने घड़ी बनाई है घड़ी उसकी है, घड़ी हारूश की है। नहीं, राज्य की हर चीज पर हक बादशाह का होता है, इसलिए घड़ी कहाँ लगाई जाएगी इसका फैसला ना हारूश कर सकता है ना लाट पादरी और ना ही हम लोग। इसका फैसला सिर्फ बादशाह सलामत ही कर सकते हैं। बहुत अच्छे, जितनी देर घड़ी नहीं बनी थी उतनी देर तक किसी को इसका ख्याल ही नहीं आया कि इसका मालिक कौन है। अब जो बन गई है तो सबके सब हटाने पर लपक रहे हैं। वाह, जब हानुष के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे ना तो नगर पालिका ने उसकी मदद की थी, और अब हानुष भी खुद चाहता है कि घड़ी नगर पालिका पर ही लगे। लगता है किसी पर घड़ी लगने वाली बात लाट पादरी ने कही है, बादशाह सलामत ने नहीं कही। अगर लाट पादरी ने बादशाह सलामत से पूछा भी तो वो उसकी बात टालेंगे थोड़ी, वो तो अपना मुंह खोलने से पहले बादशाह सलामत के मुंह की ओर देखते हैं। एक तरीका हो सकता है, क्या? हम ये घड़ी को गिरजे पर लगवा देते हैं, ये घड़ी को हम नगर पालिका की ओर से गिरजे को नजर कर देते हैं। इससे क्या होगा? नजर करेंगे? वाह, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे नजर कैसे करोगे? हम हानुष के साथ एक वायदा कर लेते हैं कि एक घड़ी को हमारे लिए और बनाए। भैया, हानुष आगे भी तो घड़ियां बनाएगा, अभी थोड़ी बंद कर देगा। इससे आगे बनाई जाने वाली दूसरी घड़ी पर तो हमारा हक होगा। एक घड़ी बनाने में उसे 17 बरस लग गए, और कितनी घड़ी वो बना पाएगा? जो घड़ी हाथ में है उसे तो जाने दे, और दूसरी घड़ी के लिए सालों तक इंतजार करे। छापर, तूने व्यापारी किसने बना दिया? हम अपनी घड़ी क्यों छोड़ते? क्योंकि ये घड़ी आसानी से तुम्हें नहीं मिलने वाली। घड़ी तो एक तरह से तुम लोगों के हाथ से जा चुकी है। नहीं, क्यों? अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर लाल पादरी इस बात का इसरार कर रहा है कि घड़ी को गिरजे पर लगाया जाए तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, घड़ी को बादशाह सलामत के महल पर लगाया जाए। घड़ी न गिरजे पर लगे न नगर पालिका पर लगे, घड़ी को बादशाह सलामत के महल पर लगाओ। और इससे होगा क्या? इससे बादशाह सलामत के रुख का पता चल जाएगा कि उनका अपना इरादा क्या है। तुम सारा वक्त बादशाह सलामत का रुख ही देखते रहते हो। अगर बादशाह सलामत के महल में घड़ी लग गई तो तुम्हारे आंसू तो मिल जाएगी ना। इससे बादशाह सलामत को इस बात का ध्यान तो आएगा कि गिरजे के अलावा और भी जगह है जहाँ घड़ी लगाई जा सकती है। देखो, मैं अभी कहूंगा कि इस घड़ी को भूल जाओ और जैसे भी हो हानुष को अपने साथ बुलाओ। उसका वजीफा बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि लो भाई, तुम यहाँ चैन से बैठो और एक घड़ी हमारे लिए और बनाओ। और दूसरी घड़ी बनने के बाद भी वो नगर पालिका पर नहीं लग पाई तो? अरे तो क्या, हम दूसरी घड़ी को अच्छे मुनाफे पर दिसावर में बेचेंगे। यूरोप के नगर नगर में घड़ियों की मांग है। अरे हम व्यापारी लोग हैं, हमें घड़ी की नुमाइश से नहीं मुनाफे से मतलब है। हाँ, एक घड़ी बनाने में तो 17 बरस लग गए, दूसरी घड़ी पता नहीं कब तैयार होगी। अरे अगर पहली घड़ी बन जाती है तो दूसरी घड़ी बनने में आधा वक्त भी नहीं लगता। तुम एक बात भूल रहे हो, हानुष एक पादरी का छोटा भाई है, वो उस रास्ते जाएगा जिस रास्ते उसका भाई उसे कहेगा। हानुष एक दस्तकार है, वो हमारे साथ आएगा। तुम बह गए हो टावर, हर आदमी के अंदर दस्तकार भी होता है और राजदरबारी भी, और मैं तो कहूंगा पादरी भी। आज हानुष दस्तकार है तो हमारा साथी है। क्या महाराज ने उसे दरबारी बना दिया, वो जमीन जायदाद का मालिक बन गया तो उसके अंदर का दरबारी जाग उठेगा, और अगर उसके अंदर का पाखंड और बनने लगा तो एक दिन उसके अंदर का पादरी भी जाग जाएगा। अगर वो हमारे साथ आज है तो उसे हमें अपने साथी बनाए रखना चाहिए। वो तुम्हारा बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाएगा। क्यों? वो अंदर से कमजोर है, उसे भाई कहेगा तो भाई के साथ चल देगा, तुम कुछ कहोगे तो तुम्हारे साथ चल देगा, और अगर बादशाह सलामत कुछ कहेंगे तो उनका हुक्म बजा लाएगा। वो अंदर से पिलपिला है, और पिलपिला होता तो पूरे 17 बरस इतनी लगन से एक घड़ी बनाने में नहीं लगा देता, उसमें अपनी जवानी नहीं गला देता। वो पिलपिला नहीं, अंदर से पत्थर की तरह मजबूत है। पिलपिला है, हम जानते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे सभी लोग पिलपिले होते हैं। अनुज ने कहा था खुद कि घड़ी नगर पालिका पर लगेगी, और आज जब लाट पादरी ने कहा कि घड़ी गिरजे पर लगेगी तो अनुज ने चू तक नहीं। मैं जो कहता हूँ पिलपिला है। अरे जो किसी पादरी का सोच वाला था, वो लड़का पनाह लेने हानुष के घर चला गया था। हम जानते हैं हानुष ने जान जोखिम पर डालकर उसको अपने घर में पनाह दी थी, और आज तक वो लड़का हानुष के घर पर रह रहा है। अंदर से ना कोई पिलपिला होता है ना कोई मजबूत। वो आदमी जिसे हम सूरमा समझते हैं वक्त आने पर भाग खड़े होते हैं, और वो आदमी जिसे हम पिलपिला समझते हैं वक्त आने पर चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। आजकल हर व्यापारी खुद को ज्ञानी समझने लगा है। भाई दो पैसे का कमा लिए, टावर भी फिलासफर बन गए। की बात क्या करो? क्यों, क्या तुमने पैसे नहीं कमाए हैं? लेकिन तुम्हारी खोपड़ी खाली की खाली रही। हमारा एक और सुझाव है, वो भी सुने। हानुष की एक जवान बेटी है ना? हाँ है। तो
उसका ब्याह टावर के बेटे के साथ करवा। अब वो कुफल सास नहीं, बहुत बड़ा खड़ी सास है, दरबारी बनने वाला है। पर इससे होगा क्या? हानोश फिर खड़ी सासों की जमात में शामिल हो जाएगा, फिर वो अपने पादरी भाई की नहीं सुनेगा, वो सुनेगा तो अपनी बेटी की और अपने दामाद की। वाह, अब बड़ी दूर की कौड़ी फेंकी है जॉर्ज। तुम ही तो कहते हो कि व्यापारियों की दूर की सोचनी चाहिए, और मैं तो आज से 200 साल बाद की भी सोच सकता हूँ, जब ना खेचे होंगे ना राजे होंगे, चारों तरफ व्यापारी ही व्यापारी होंगे, सबकी बेटियां व्यापारियों के साथ ब्याह जा चुकी होंगी। तुम हनुष को तैयार करो। किस बात के लिए? टावर के बेटे के साथ उसकी बेटी का रिश्ता करने के लिए। अब सारा दारोमदार हानुष पर है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि तुम सारे के सारे टर्मिनल की बात कर रहे हो। अगर इस वक्त घड़ी हमारे हाथ से निकल गई तो ना तो हमें दरबार में नुमाइंदगी मिलेगी और ना ही हमें कोई पूछेगा, बल्कि एक एक करके हमारे सारे हक छीन लिए जाएंगे। अरे तो फिर तुम क्या कहते हो, क्या किया जाए? मैं कहता हूँ घड़ी को सीधे नगर पालिका पर लगा दो, बादशाह सलामत की इजाजत के बगैर। हाँ, इजाजत के बगैर लगी हुई घड़ी को बादशाह सलामत कभी नहीं उतरवाएंगे। और फिर ये जब हम, ये हमारा हक है तो हम क्यों किसी की चापलूसी करें? और अगर बादशाह सलामत नाराज हो गए तो? नाराज हो गए तो देख लेंगे क्या करना है। शर्जी ठीक कहता है, कभी ना कभी तो हमें अपने हक के लिए डटकर खड़े होना ही पड़ेगा। सुनो, घड़ी लगवा लो पर साथ ही दरख्वास्त भी दे दो। क्यों? इससे तो उसका उल्टा दोष हम पर ही आएगा कि दरख्वास्त देने से पहले हमने घड़ी लगवा ली। हम सीधी बात क्यों ना करें? हमें अपना मतलब साधना है शेर चेक। सीधे रूप साधे या उल्टे रूप, मुझे नहीं लगता हमें दरख्वास्त देने की जरूरत है। घड़ी को सीधे नगर पालिका पर लगा दो। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बादशाह सलामत जब आएंगे तो हम उनसे कह देंगे कि आपके स्वागत के लिए ही घड़ी को यहाँ पर लगाया गया है। वो नहीं माने तो घड़ी उतरवा देंगे, फिर देखेंगे जो होना है। और अगर हनुष कमजोर पड़ गया तो, उसने घड़ी नहीं दी तो? हनुष कुछ नहीं कहेगा, और पिछले 5 साल से तुम्हारे वजीफे पर ही तो जीता रहा है, वो क्या कह सकता है? सच्चे ठीक कहता है। मुझे नहीं लगता कि हानुष अपने भाई के डर से या लाट पादरी के डर से घड़ी देने से इनकार कर देगा। हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया, इस मौके को जैसे भी हो घुटा लो। मीटिंग में बाकी लोगों से भी बात कर लो, और सुनो, हमें किसी की धमकी में आने की जरूरत नहीं है। लाल रंग का बहुत खूबसूरत लगता है। तुम्हें पता है
आगे हुए कपड़े पहनने में यही नुस्ख होता है, फिर जगह जगह से बिठाना पड़ता है। तुम्हें अपने कपड़े भी नसीब होंगे। कैसा लगता हूँ बिटिया? बहुत अच्छा है ना। अब समझ में आया कि दरबारी लोग क्यों हैं ठहर कर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़िया पोशाक पहने होते हैं और क्यों उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े आईने लगा रखे होते हैं ताकि वो आते जाते उतरते पोशाक को देख सके। अच्छा क्या फसाद साहब सबसे कहते तो नहीं फिरेंगे कि मेरा चोगा हानू से पहन रखा है? कहते हैं तो कहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं, इससे बड़ी फर्क होती है। पता है शीशका बता रहा था कि एक बार वो नगर पालिका में किसी का कपड़ा पहनकर गया तो वहां वही आदमी लोगों से घिरा खड़ा था। शीशका को देखा तो पता क्या बोला? देखना शीशका, घुटने पर घुटने रखकर मत बैठना नहीं तो सीवर खिंच जाएगी। शीशका ने क्या कहा? शीशका क्या कहता? बेवकूफों की तरह ही करता रहा। तुम भी बेवकूफों की तरह मुस्कुरा देना। और क्या, मुझे तो हमेशा बाद में सोचता है कि क्या कहना था, उस वक्त तो सोचता ही नहीं है। अच्छा जूते कौन से पहन कर जाओगे? यही जो पहन रखे। ये जूते पहन कर जाओगे? मेरी नाक कट पाओगे क्या? अरे जूतों का इंतजाम नहीं किया? तुम्हें पता तो है महीने भर से मरने भर की फुर्सत नहीं, मीनार की पूरी दीवार तोड़नी, फिर उसमें घड़ी को लगाना जोड़ना। और लोग भी तो थे जो काम कर सकते थे। अरे और लोग क्या करते? घड़ी मैंने बनाई है किसी और ने? क्या सारा काम मजदूरों मिस्त्रियों पर छोड़ देता और अपने लिए जूता ढूंढता फिरता? ये जूते पहनकर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जा रही। जानता भागकर पादरी चाचा के पास जाओ और बढ़िया जूतों का जोड़ा लेकर आओ। वाह अब तो चलने में भी मजा आता है। भाई ऐसे पोशाक पहने हो तो सड़क पर पैदल चलना तो हिमाकत, ये पोशाक तो घोड़े गाड़ियों के लिए बनी। अब समझा ये दरबारियों क्यों घोड़े गाड़ियों में चलते हैं, क्योंकि उन्हें बढ़िया पोशाक पहन रखी होती है। अरे हम भी जरा गली में घोड़े गाड़ी पर बैठ कर निकले, जरा रुआ खाके सामने से शीशका आता दिखाई दे तो उससे पूछे, क्यों भाई शीशका आज क्या पैदल ही टांगे घसीट रहे हो? मजाक कर रहा हूँ रुआ, कौन गाट रहा है? तुम तो मजाक भी करोगे, वो लोग समझेंगे कि ऐड रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान से डरते रहना चाहिए। अरे ऐड कौन रहा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद है। वो लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा साथ देते हैं और कामयाबी तुम्हें मिली है हानू। वो लोग तो वैसे के वैसे ही है गरीब। भगवान बचाए धार्मिक औरतों से। आज शिविर में सुबह से अब तक कितनी बार प्रार्थना कर चुकी। मैं तो हर रोज प्रार्थना करती हूँ, हमेशा चाहती हूँ तोड़ चुकी हो, दो बार सारा सामान उठाकर खिड़की से बाहर फेंक चुकी हो और कुछ नहीं तो कम से कम 6 बार तो मुझे पीट चुकी हो। कमानियां तोड़ना बात है, दिल से हमेशा चाहती तुम्हें कामयाबी। अरे तुम्हें बहुत उनसे किसी को सुन नहीं। तुमने किसी को दुख नहीं, हमारी सारी जवानी खप के खड़ी बना सकते, तुमने किसी को दुख नहीं। और वैसे भी आज का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है। मेरी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारी कुर्बानी है। हर एक की कामयाबी के पीछे एक औरत की कुर्बानी, उसकी प्रेरणा, उसकी निष्ठा होती है। नहीं, ये काम तुम्हारी जीत और मेहनत से पूरा हुआ है। खुश रहो आनुष, चुप चुप जी, अपने बहुत अच्छा काम किया।
मैं तो कब का देख आया। वैसे हानुस भाई, इस घड़ी के अंदर बैठा आदमी तो सुबह शाम तक थक जाता होगा। इसके अंदर कोई नहीं है, सभी यही पूछते हैं। क्या कह रहे हो, कोई भी नहीं है? हमें बेवकूफ ना बनाओ हानिश भाई, तुझे सब पता है। उसमें उसके अंदर एक आदमी बैठा है और दिन भर बैठा रहता होगा और रात को सरक जाता होगा, ऐसा है ना? अरे नहीं, उसके अंदर कमानियां लगी, जो एक बार चला तो बस चलती रहती। ये किस्सा किसी दूसरे को सुनाना दोस्त, हमें सब पता है। पता है मेरा चाचा घड़ियाल बजाता है गिरजे का, वो रस्सी खींचता है तो घड़ियाल फंसता है, और जब रस्सी खींचना बंद करते है तो घड़ियाल भी बंद हो जाता है। बता दो, बता दो, ऐसी बातों को छिपाना नहीं चाहिए, बाद में लोगों को पता चलता है तो बड़ी बात होती है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, खुश रहो, तुम्हारी घड़ी सदा चलती रहे, युगों युगों तक तुम्हारा नाम हो। अच्छा अनुज भाई, अच्छा बहन, खुदा हाफिज। घड़ी को इतना नीचे क्यों लगाया? इसे थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए था। नहीं नहीं बड़े भाई, अगर
घड़ी ऊपर लगती तो फिर वो नक्षत्रों के नाम नहीं पढ़े जाते। अच्छा, तो ये अब अपने आप ही चलता रहेगा। खुदा ने चाहा तो चलती रहेगी, मतलब पर क्या कहूँ, कुछ नुक्स भी पैदा हो सकता है, आखिर इंसान की बनाई चीज है। अच्छा लो कात्या, ये थोड़ा पैसा रख लो, आज तुम्हारे घर में जश्न होगा, हाथ तंग मत रखना। आप बैठिए ना भाई, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात? वही रोज रोज का बात, रोज रोज का झगड़ा। भाई जब से तुमने खड़ी बनाया है, पादरियों के बीच में बैर चढ़ गया है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, तरह तरह की बातें चल रही हैं। भाई इन नए नए आविष्कारों में ना ये बहुत बुरा बात होता है कि इससे ना मन का अशांति बढ़ता है। माफ करना हानिश, अगर आज तुमने खड़ी ना बनाया होता ना तो कुछ एक लोग गिरजा में बैठ जरूर बैठने आते, लेकिन आज कुछ एक बूढ़ा को छोड़कर कोई गिरजा में आया ही नहीं। देखो बेटी, ये जो नगर पालिका वाले हैं ना, इनका दिमाग बहुत ज्यादा ही चलने लगा है, बार बार पर मनमानी करने लगा है। भाई इन्होंने तुम्हारा मदद क्या किया घड़ी बनाने में, घड़ी का मालिक ही बन गए हैं, इधर उधर सौदा करते फिरते हैं और बिना किसी से पूछे खड़ी नगर पालिका के ऊपर लगवा दिया। अनुष मेरा एक बात ध्यान से सुनो, अगर महाराज तुमसे इस बारे में कुछ भी पूछते हैं तो तुम उनसे कहना महाराज हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। जी निश्चित, और एक बात का ध्यान रखना जी, तुम्हें ऐसा कोई बात नहीं कहना जिससे लॉर्ड पादरी नाराज हो जाए। कोई आदमी अपनी जगह से हिले नहीं, जब महाराज आए तो सब एक साथ झुककर आ जाओ बता रहे।
का मसला टावर पेश करेगा। इसके बाद दरख्वास्त इसे शिक्षक तुम पेश करोगे और आखिर में हानुष तुम पेश होगे। समझाया हानुष? जो महाराज सवाल पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दो। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो हमारी तरफ देखो, हम सवाल का जवाब दे देंगे। घबराने की कोई बात नहीं, इजलास खत्म होने पर जब तक महाराज जाए नहीं तब तक सब एकदम खड़े रहे अदब से, ठीक है? हम दोनों जॉन के साथ महाराज को बाहर तक छोड़ के आएंगे, ठीक है? महाराज के चले जाने के बाद भी सिर झुकाए खड़े रहे, ये मजाक करने का मतलब नहीं है। उस वक्त अगर खांसी आ जाए तो खांस सकते हैं। महाराज की गाड़ी के पहियों की आवाज से पता चल जाएगा। कितना अच्छा होगा उस वक्त घड़ी बजने लगे, ऐसा कुछ इंतजाम करो इससे अच्छा असर पड़ेगा। एक बार महाराज के पधारने पर बजे, एक बार उनके विदा होने पर। क्यों आनुष, इसका इंतजाम हो सकता है? महाराज घड़ी तो अपने वक्त पर ही बजेगी। वाह, ऐसी भी बात है, तुम्हें तो इसे बनाया है, तुम चाहो तो बज सकती है। ये मशीन है मालिक। आनुष ने ठीक कहा, ये घड़ी है, घड़ियाल नहीं। महाराज जाए उसी वक्त जब घड़ी बजे या बजने वाली। मतलब कि महाराज तुम्हारी घड़ी को लेकर वहाँ पे खड़े रहेंगे कि कब तुम्हारी घड़ी बजे, कब हो जाए। तुम्हारी घड़ी को खड़े खड़े वो ताकते रहेंगे वहाँ पे। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। क्या तुम्हें चोट महाराज के सामने मेरे कान में खुद गुजारा है, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। बात दो कौड़ी की करते हो कान में ऐसे खुद गुजारा। दो साल और क्या वो उससे बेहतर बनेगी?
दूसरी बात, चीज बनाते समय कोशिश तो यही होती है कि वो पहले से बेहतर। दूसरी घड़ी बनाओगे तो उसे लगाओगे कहाँ? जहां पर आप फरमाएंगे हुजूर। एक घड़ी लगाते वक्त तुमने हमसे पूछा नहीं। हुजूर, इसे आपके स्वागत के लिए यहाँ पर लगाया गया है। हुजूर के हुक्म के मुताबिक जहां हुजूर की ख्वाहिश होगी वहीं पर इसे लगाया जाएगा। इसकी इजाजत हमी ने दी। हमी ने तो कहा था कि घड़ी को नगर पालिका में लगाओ, क्योंकि ये जगह शहर के बीचों बीच कारोबार का मरकज। हुजूर, कहो। हुजूर, एक इल्तिजा है। बोल। घड़ी लग जाने से हमारे शहर में आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अगर इसकी एक महसूल चुंगी लगा दी जाए तो बहुत बेहतर होगा और मुल्क को इससे बहुत फायदा होगा। इस बात पे हम गौर करें। हुजूर का एक बात है, तुमको दरख्वास्त पेश करना चाहते। हुजूर, कहो। हुजूर, आपकी दया से सौदागरों का कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन दरबार में हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं। तुम दरबार में कितने लोगों की नुमाइंदगी चाहते? हुजूर, कम से कम 8 नुमाइंदे तो हो। इस बात पे भी हम गौर करें। हुजूर, क्या इसके लिए फिर से दरख्वास्त करनी होगी? तुम दस्तकार लोग इतने उतावले क्यों हो रहे? नगर पालिका पे खड़ी लगा के वक्त भी उतावला पर, दरबार में नुमाइंदगी के लिए भी उतावला पर। हर चीज अपने समय पर होगी। छिप छिप के काम कर, ये हमारी रियासत है, यहां पर हमारा हुक्म चलता है। किसकी इजाजत से तुमने घड़ी को यहां पर लगाया? दस्तकार लोग सरकश हो रहे हैं और इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। तुमने ये घड़ी क्या सोच के बनाया? हुजूर, बचपन से ही घड़ी बनाने की दिल में। हुजूर, आपकी खुशी के लिए बनाई है। महाराज के कदमों में अपनी इस नाचीज इजाद को भेंट करने के लिए बनाई, राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए बनाई। बहुत खूब, हम तुमसे खुश हुए। इस आदमी को 1000 सोने की मोहरें दी जाए और आज से इसका महीना बांधो, ये खड़ी की देखभाल करेगा और आज से इसे दरबार में नुमाइंदगी मिलेगी। हमारे दरबार में बैठे लो, तुम्हारे एक आदमी को दरबार में नुमाइंदगी मिल गई। हुजूर, आपकी मेहरबानी से नगर पालिका पर घड़ी लग गई, इससे देश को बड़ा लाभ होगा, हुजूर का नाम रोशन होगा। हुजूर, बोलो। हुजूर, आपकी इजाजत हो तो नगर पालिका हानूस से एक और घड़ी बनवा सकती है आपके महल पर लगाने के लिए। एक और घड़ी? किस लिए? तुमने कहा था कि तुम एक घड़ी बनाओ और तुम्हें वो घड़ी बनाने में 17 साल लगे। 17 साल, इसके बाद एक और घड़ी 1 साल, फिर एक तीसरी घड़ी भी बनाई जा सकती है जो कि दूसरी से बेहतर हो। वो तीसरी घड़ी कहां लगाओ? हुजूर, आपकी आपकी मेहरबानी से नगर में एक घड़ी सासों की जमात बन सकती है। हम यहां से घड़ियां बना बनाकर दिसावर में भी बेच सकते हैं। खूब, मतलब कि हमारी घड़ियां दूसरे मुल्कों की भी रौनक बढ़ाएंगी। अगर हमारी घड़िया दूसरे मुल्कों की वीरानी बढ़ाएगी तो इस घड़ी को यहां पे लगाने का क्या दुख है? नदी पार का तुला राज हमारा दुश्मन है, हमारी घड़िया वहां पर भी लग सकती है। क्यों? उसके बाद दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में क्यों? ना भी नहीं ले सकता आपकी इजाजत के बगैर। हमारी इजाजत जो होगी सो होगी। तुम और तुम्हारी नगर पालिका के लोग इस आदमी से खड़ी बना बनवा कर दूसरे मुल्कों में बेचना चाहते हैं। क्यों? यही राजा है तुम लोग का? तो फिर इस खड़ी को यहां पे लगाने की क्या जरूरत थी? इसे भी किसी दूसरे मुल्क में बेच दिया जाता, तुम्हें और तुम्हारी नगर पालिका को इससे फायदा होता।
तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि ये घड़ी तुमने हमारी नगर की रौनक बढ़ाने के लिए बनाई है। दूसरी घड़ी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया। इस एक घड़ी को ही बनाने में मेरी जवानी ढल गई। तुम्हें ख्याल नहीं आया, पर तुम्हारे सरप्रस्त को तो आया होगा। ये बादशाह की तौहीन है कि एक घड़ी बनाकर उसके कदमों में पेश कर दी जाए और एक वैसी ही दूसरी घड़ी, बल्कि उससे भी बेहतर घड़ी बनाकर दूसरे मुल्कों में पेश की जाए। आज से तुम्हें घड़ी बनाने की इजाजत नहीं होगी, ये हमारा फरमान है। हमने एक घड़ी बनाई हमारी रियासत की रौनक बढ़ाने, तो फिर दूसरी घड़ी बनाने का क्या मतलब? हमें इस आदमी पे बिल्कुल एतबार नहीं। ये आदमी 17 साल तक छिप पे घड़ी बना सकता है, तो फिर ये दूसरी घड़ी बनाए। अगर इसने छुप पे घड़ी बनाने की कोशिश की तो हम इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और किसकी इजाजत से आप लोगों ने घड़ी को नगर पालिका पे लगा दिया और इसकी हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई? हमें इसकी खबर तब मिली जब घड़ी नगर पालिका पे लग चुकी थी। इस आदमी पे कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी। आपकी अगर आप नहीं चाहेंगे तो घड़ी यहां पर नहीं लगेगी और हम इसमें दूसरी घड़ी भी नहीं बनाएगा। हुजूर, जो आदमी 17 साल तक छुप के घड़ी बना चुका है वो आदमी दोबारा घड़ी बनाएगा। मैं नगर पालिका की तरफ से हुजूर को यकीन दिलाता हूं, नगर पालिका से ज्यादा एतबार हमें हानिश पर, लेकिन इसको दूसरी घड़ी बनाने की इजाजत नहीं होगी। इस हुक्म को अमल में लाने के लिए हानुष को उसकी दोनों आंखों से महरूम कर दिया जाए। इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए। अगर आंखें नहीं होंगी तो ये घड़ी नहीं बना सकती। हुजूर, इसकी आंखें ना निकलवाइए, अंधा आदमी क्या करेगा? हमने इस पहलू पर भी गौर किया। पहले हमने सोचा था कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, पर अगर आंखें हो तो हाथों के बिना घड़ी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आंखें ना हो तो घड़ी बनाना मुमकिन नहीं। चाहती हो अभी तुम हमेशा उसके पीछे पड़े रहो।
उसकी आंखें थी तब तो मुझे खड़ी बनाने के लिए उकसाते रहते थे, और जब उसकी आंखें नहीं है तब भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। अगर उसे मेरी बात मानी होगी ना तो वो अंधा नहीं होता है। उसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो और घड़ी बना सकता है। क्या क्या तुम अभी ऐसा ही समझती हो? तुम्हें ये नहीं पता कि बादशाह के उस हुक्म के पीछे एक चाल थी। मैं हमेशा कहती हूँ हानुष जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, नहीं तो बड़े लोगों की लड़ाई में कुछ नहीं जाओ। वो ना भी पड़ता तो भी कुछ ना जाता। खातिया क्यों तुम कुछ ले गए? बूढ़ा लोहार कुचला गया क्या? हानुष का बड़ा भाई कुचला गया? अरे या तो तुम ये कहो कि हानुष कभी घड़ी बनाता है? घड़ी बनाने का काम अपने हाथ में ही नहीं लगा, उसे सास था तो सास ही बना रखा। उसे मशवरे देने वाले हमेशा मजे में, और वो सड़कों पर पिटकता रहा। जब आंखें थी तब घर पर तो रहता था, अब सड़कों पर भटकता रहता है। कि हम किस हालात में हैं, लेकिन इसके सर पर छत तो है। बादशाह सलामत कर दिया। मैं तुम्हारी दिल की बात समझ सकता हूँ, लेकिन हानुष के लिए शहर में रहना नर्क भोगने के बराबर है। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ नहीं समझते। अच्छा तुम क्या समझती हो? हानुष के लिए शहर में रहना आसान है, पर जब जब वो घड़ी चलती है तो उसके दिल पर छुरियां चल जाती है। पिछले तीन बार वो किसी ना किसी वजह से घड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई बात हुई है? प्रियंका ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। तब फिर उसने घड़ी तोड़ने की कोशिश की। प्रियंका को किसी बहाने वहां पर ले जाने को कहा और वहां पर जाके घड़ी को पत्थर फेंका। पत्थर घड़ी को लगा क्या? नहीं कहा गया, अंधा आदमी क्या पत्थर फेंकेगा, सड़क के पार भी नहीं गया। तुम मेरी बात को समझो, हनुष के लिए यहाँ से चले जाना बहुत जरूरी है। उसको ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ पर वो घड़ी की आवाज तक ना सुन पाए। तुम कुछ नहीं समझते, तुम कुछ नहीं जानते। घड़ी की आवाज सुनकर वो जी रहा है, अगर ना सुनाई दे ना तो वो मन की मन छटपटाता है, घबराता है। वो घड़ी की आवाज सुनकर ही जिंदा है, उसकी जान घड़ी में ही है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कातिया, हनुष अंधा जरूर हुआ है लेकिन उसके हाथ से ही सलामत है। फिर से घड़ी बनाने के काम में लग जाएगा तो उसका सारा दुख दूर हो जाएगा, उसके जान में जान आ जाएगी। क्यों हमें कांटों में धकेल रहे? तुम जानते हो उसे घड़ी बनाने की मनाही है। महाराज को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कौन सी गाज हम पर गिरेगी। मतलब इन लोग भी तो होंगे उसके साथ। कहाँ जाएंगे उसे लेकर? दूसरे देश में घड़ी बनाएगा, महाराज को पता नहीं चलेगा, हमें जी मार डालेंगे। वो पूरी पूरा परिवार उसके साथ होगा एक दूसरे देश में, बादशाह से दूर। मैं उसे नहीं जानती। तुम बादशाह के डर से ऐसे नहीं कर सकते। बादशाह ने उसके साथ कौन सी ऐसी भलाई कर दी कि तुम उनके डर पे यहाँ पर रही हो? अरे उनके हुक्म की वजह से तो उसकी ये हालत हुई है। तुम हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हो? ये हानुष की जिंदगी का सवाल है। उसकी हालत देखते उसके बड़े से बड़े दुश्मन भी उस पर रहम करेंगे, और फिर हम क्या मुंह बाहर देखते रहे और हानुष ऐसे तिल तिल कर मरता है? तुम्हें कुछ फैसला लेना होगा। मैं तो सोचते ही काम जाती हूँ। सोचा पहले मैं तुमसे बात करूँ। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। उसको कुछ हो गया तो मैं यही रहूंगी उसके साथ, परदेश में लेकर नहीं जाऊंगी उसे। भले ही वो यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाए। एक दिन तो मरना ही, जहाँ मरे वही ठीक, लेकिन मैं परदेश में लेकर उसे नहीं जाऊंगी। ठीक है कातिया, इसी तरह हानुष को घिसड़ते घिसड़ते जीने की आदत पड़ जाएगी। जिंदगी के 20 साल उसने घड़ी के गुण जानने में लगा दिए हैं, अब जब वो उसका भेद जान गया है तुम यही बेहतर समझती हो कि बाकी की जिंदगी मौत का इंतजार करते करते काटते। हानुष राज दरबारी है, मैं समझ सकता हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ रहना है, लेकिन यहाँ से चले जाना उतना ही जरूरी है कातिया।
मेरी बात को समझो। जब जब दरबार लगती है तुम्हें याद देखे वो जाने से इनकार कर देता है और तुम उसे तरह तरह के वास्ते देकर भेजती रहती हो। धीरे धीरे उसका मन ठिकाने आ जाएगा। हम किस्मत से नहीं लड़ सकते, खेती झुकना ही पड़ेगा। तो मैं तुला के उस सौदागर से कह दूं कि तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला। एक बात दूर का करें, बुरा मत, लेकिन हानुष की सबसे बड़ी दुश्मन तुम अपने खातिर अन्य हानुष की जान ले रही हो। एक दिन ये सुनना भी मेरी किस्मत में लिखा। मैं ठीक कहता हूँ, पिछले 20 साल तुमने मुफलिसी में काटे, अब तुम गरीबी से डरती हो। और भले ही हानुष दुखी है, पर कम से कम घर में पैसा तो है या आराम तो है। तुम इसी आराम के खातिर अंधे हानुष को कुर्बान कर रही हो। ठीक है, जवानी में तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाया, कम से कम अंधा बनकर तुम्हें सुख तो दे रहा है। तुम क्या सोचते हो कि मैं खुश हूँ? ठोकरे खाता है तो क्या मैं खुश हूँ? वो अंधा हो गया है तो क्या मैं सुखी हूँ? तुम अपने दिल से पूछो बातें। हनुष यहाँ रहकर कभी सुखी रह सकता है क्या? अब वक्त रहते उसकी जान बचाई जा सकती है। ये कब भी होगा उसके साथ, घड़ी का सारा काम उसे आता है। फिर से घड़ी बनाने के काम में लग जाएगा तो उसकी जीने की चाल लौट आएगी। तू क्या समझते, तो ऐसा मन हो जाएगा? और तुमने कैसे सोच लिया कि वो और घड़ी बनाना चाहता है? तो हमेशा यही कहता इस घड़ी को भी तोड़ कर जाऊंगा। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो ऐसा क्यों कहता है। तू अंदर से दुखी है, बेचैन है। अरे दिन रात घड़ी के काम में लगा रहता था, अब बिल्कुल खाली हो गया है। और जाओ ना पास। देखो कुछ ना कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अपनी ओर से यही कोशिश है तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, किसी को कानों कान खबर तक ना हो। अलग होती है। अब तो वो किन परछाइयों के साथ जूझता रहता है। अब हमें
नहीं है। ये कुछ गाड़ी बार देख कर किसी गाड़ी चलाते हैं, ये भी नहीं देखते ये भला आदमी सड़क पार कर रहा है। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे क्या मालूम था कि अचानक से बादशाह सलामत की सवारी आ जाएगी। देखो इसी तरह तो हादसे होते हैं। तुम चुप क्यों हो, नाराज हो? अरे इसमें सचमुच मेरा कोई दोष नहीं है। अचानक से ही बादशाह सलामत की सवारी आ गई, बच्चे भी थे उनसे भी पूछ लो तो वो भी हैरान रह गए। जैकब तो मुझे पीछे ही खींचता रह गया। तुम लोग
वो बची नहीं है। लता, तुमने उसको बजते सुना? नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया। जैकब कहाँ? जैकब? जैकब यहाँ नहीं है। यांगा, यांगा तुमने घड़ी को बजते सुना? आपको पहले भी नहीं सुना, मैं तो तुम्हारे साथ ही अंदर थी। घड़ी बजी नहीं, बहुत सारा ऊपर वक्त हो गया। अच्छा, जब पिछली बार बजी थी तब तुमने उसकी आवाज सुनी थी यांगा? क्यों बांटा तुमने सुनी थी? घड़ी नहीं बजी, उसे अभी बजना चाहिए था। जैकब कहाँ गया? जैकब, जैकब जाकर देखो कि घड़ी क्यों नहीं बजी। जैकब, नहीं बजी तो ठीक है ना, तुम्हें क्या चिंता हो रही है? हाँ, नहीं बजी मेरी बला से, मुझे क्या, दो साल नहीं खराब हो गई थी, जरूर कुछ टूट गया होगा। मीनार में बहुत सीलन थी, जरूर धूरा टूट गया होगा। चलो, नहीं बजी, अच्छा हुआ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। कहते क्या हुआ, क्या महाराज की तरफ से कोई फरमान आया? क्या महाराज ने हमें देश निकाला दे दिया? क्या भाईजान ने कुछ कहा? नहीं, मैंने फैसला लिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुला में जाकर रहेंगे। तुला में? तुला में? हम सब तुला में जाकर रहेंगे और वहां पर तुम्हें दूसरी घड़ी बनाओगे। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, अब मैं इन हाथों से घड़ी बनाऊंगा। भानुष, हमने सब सोच लिया है, ये सब फिजूल की बातें, अब कोई घड़ी वड़ी नहीं बन सकती, और जो बनी थी वो भी बंद हो गई है, जरूर कुछ टूट गया होगा, वरना बंद क्यों हो जाती? मुझे इस काम से नफरत हो गई है। बंद हो गई है तो अच्छा है ना, जब तक घड़ी के चक्कर नहीं लगा देते तुम्हें चैन नहीं मिलता। आयुष की घड़ी बंद हो गई है। बंद हो गई है, तुमने कैसे जाना? सैकड़ यात्री देर से मीनार के सामने खड़े हैं, तू यहाँ घड़ी की घड़ी है, न मुख बांध दे रहा है न संत दर्शन दे रहे, घड़ी बिल्कुल चुप है। क्या भाई, सच में बंद हो गई है? हाँ, बंद हो गई है, चौक पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। मैंने कहा था ना घड़ी बंद हो गई है। जैकब कहाँ है? जैकब, अरे जैकब कहाँ है? बंद हो गई है तो तुम्हारी वजह से, अच्छा है जो बंद हो गई। ठीक ही हुआ, हम दोनों में होड़ लगी हुई थी कि कौन पहले दम तोड़ता है, मगर दो साल में ही कैसे बंद हो गई। मैं सोचे बैठा था कि मेरे मरने के बाद भी चलती रहेगी। अरे जैकब नहीं लौटा क्या? जैकब को बोलो, जाके बोलो कि देखे कि क्या टूटा है। अरे जैकब आ गया क्या? कौन है जैकब? अनुष, अनुष सांस। तो भाई, अनुष तुम्हें बड़े वजीर ने तलब किया, आपको हमारे साथ चलना होगा। बड़े वजीर ने तलब किया, क्या बात हो गई? हाँ, घड़ी बंद हो गई है और इसी संबंध में आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, घड़ी बंद हो गई है इसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। बादशाह सलामत चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उस घड़ी को ठीक कर दो। मुझे नहीं लगता था कि इन आंखों की बादशाह सलामत को फिर से जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप हमारे साथ चलेंगे, ये मत भूलिए कि बादशाह सलामत आपसे बहुत नाराज है। मेरी घड़ी के पास मुझे खींच कर ले जाओ। वो तुम्हारी घड़ी नहीं है, अब वो रियासत की घड़ी है। मैं भी कितना बेवकूफ, ना अपनी हैसियत को तब समझ सका ना आज जान सका। कभी तुम ठीक कहते थे, बादशाह सलामत ने ही मुझे अंधा किया, लेकिन इससे एक दिन मेरी आंखें जरूर खुल जाएंगी, मुझे स्याह और सफेद का फर्क पता चल जाएगा। ठीक है साहब, चलिए मैं चलूंगा, मैं आपके साथ आपके कदमों में लौटता हुआ एक वफादार कुत्ते की तरह चलूंगा, क्योंकि मैंने एक दिन घड़ी बनाई थी। चलिए साहब, फिक्र मत करो कात्या। चलिए साहब, बादशाह सलामत अपनी दिल की मुराद पूरी करे और मैं अपनी दिल की। चलिए, Thank you.
और मैं घड़ी को देख भी नहीं सकता। घड़ी तुम्हारे सामने है, उसे तुम्हें ठीक करना होगा। क्या आप सचमुच समझते हैं कि मैं इन आंखों से ठीक कर सकता हूँ? तुम्हें यह काम करना ही होगा और इसी बात के लिए तुम्हें वजीफा देती है। आप मुझे घड़ी के सामने ले चलिए। घड़ी की बड़ी कमानी कहाँ पर है? कमानी ये क्या होती? हम क्या जाने क्या होती है कमानी? आप मुझे घड़ी के ऐन सामने ले चलिए, बस यही बहुत मेहरबानी होगी। आओ हमारे साथ। अच्छा यहाँ औजारों का एक बक्सा होगा, शायद दाहिनी तरफ, जरा देखिए। जी हाँ मिल गया। आप बस वो दे दीजिए। अब आप बेशक मेरी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। तुम्हारी मदद तो कोई भी कर देगा, कोई मजदूर या फिर कोई लोहार, जिसे तुम चाहो उसे बुला सकते हो। आप जिसे चाहे भेज दीजिए, मेरी मदद हो जाएगी। टूटेगा ही। अगर किसी भी एक नाजुक पुर्जे पर इसका वार पड़ जाए तो फिर वो घड़ी सदा के लिए मर जाएगी। अगर कहीं लीवर पर पड़ गया फिर तो उसका काम तमाम, उसी में सारा भेद छिपा है घड़ी का। लीवर मिल जाए तो फिर तो मैं उसे खींच कर ही तोड़ दूंगा। मैं लीवर को लेकर आपकी जेब में रख लूंगा एक निशानी के तौर पर, लेकिन मैं उसे अपने पास क्यों रखूं? तुम ये पहले की तरह बोलने लगे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरी घड़ी है। घड़ी के दिल पर हाथ रख दिया।
जाते नहीं मदद। क्या मदद करूं बता? बजने बंद हो। बहुत बुरा हुआ, तुमने बहुत मेहनत से बनाई, अब यह मछली बंद हो गई। हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। क्या करें, तुम्हारे में कोई वो लचीली वाली कमानी रहा है या कोई बढ़िया सा नियमन? जो कुछ भी तुम कहो। क्यों है दुखी है, दिल से दुखी है। तुझे उस घड़ी पर गुस्सा भी आता होता है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी आता। अरे आनुष, मैं अपनी दुकान से रोज देखता कैसे लोग आके फूलों के गुच्छे तुम्हारे हाथों में छोड़ जाते हैं। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमने इनको ये घड़ी दी है। ये सब कुछ नहीं है आनुष, तुम तो इस घड़ी को छूकर ही सब समझ जाओगे। याद है कैसे तुमने इसे अपने हाथों से, कैसे तुम इसके एक एक पुर्जे से वाकिफ, इसे तुमने जन्म दिया आनुष। इधर देखिए तो, इधर कुछ पड़ा है क्या नीचे? आए ये देखो, क्या ये लीवर जैसी चीज, यही तो नहीं दिखा दे। अरे ये टूटा हुआ है बड़े मियां। अब देखिए तो इधर कोई कपड़ा वपड़ा है क्या? पुर्जों पर जंग लगा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि मीनार में सीलन है। अरे पुर्जों पर जंग लग गया इसलिए ये लीवर भी टूट गया। मिला हाँ। अब पुर्जों को अब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, मुझे दे दीजिए। लाइए, और ये नहीं नया लीवर बना कर ले आइए। हाँ बनवा रहा। हाँ जल्दी से, और जरा ध्यान रखिएगा। हाँ ऊपर कमजोर ना हो। एक बार वो आ जाए तो फिर ये घड़ी भी चालू हो जाएगी।
अब मैं अकेले ठीक कर लूंगा। हाँ बड़े भैया, बड़े भैया, अगर आप नहीं होते तो मैं आज फिर से बीच मझधार में खड़ा था। तो बड़े भैया मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। देखो वो जो बुजुर्ग हिसाबदार है, आप उनको एक बार यहाँ बुला सकते हैं? मैं उनसे कुछ मशविरा करना चाहता हूँ। अब घड़ी में दो तीन तब्दीलियां लाना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आए। क्यों बड़े भैया, आए थे क्यों? जब से तुम्हारी आंखें निकलवाई गई है, कोई भी आदमी घड़ी के काम से बस सब दूर ही रहना। आप भी बड़े भैया, सवाल तुम मुझसे पूछोगे? अच्छा बड़े भैया, इस नई कमानी का की पूरी जांच कर ली ना आपने? हाँ बिल्कुल। इसमें तो पीता की मात्रा ज्यादा नहीं है ना? बराबर है। आइए इसे लगाते, लीजिए लगाइए। तुम लगाइए, घुमाइए, मैं तैयार हूं।